अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन इसी साल 1 नवंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म का माहौल काफी मजबूत है। कारण है ये सिंघम फ्रेंचाइज की फिल्म है, इसमें 8 बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं। फिल्म कितनी बड़ी है इसका नमूना है रिलीज से पहले ही बिके इसके डिजिटल राइट्स। फिल्म ने इसके जरिए ही 130 करोड़ रुपए कमा लिए। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सिंघम अगेन के डिजिटल राइट्स प्राइम वीडियो ने खरीदे हैं। रोहित शेट्टी ने इसके लिए एक बड़ी डील क्रैक की है। प्राइम ने उनकी पिक्चर 130 करोड़ में खरीदी है क्योंकि रोहित की कॉप यूनिवर्स की सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स को प्राइम पर बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। इस कारण से इसी यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म सिंघम अगेन को अपना प्लेटफॉर्म देना प्राइम वीडियो के लिए फायदे का सौदा है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक सिंघम अगेन के साथ रिलीज होने वाली भूल भुलैया 3 ने नॉन थिएटिकल राइट्स 135 करोड़ में बिके। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक सिंघम अगेन के साथ रिलीज होने वाले भूल भुलैया 3 ने अपने नॉन थिएटिकल राइट्स 135 करोड़ के बेचे हैं। इसमें अब ये पता नहीं है कि फिल्म के म्यूजिक टीवी और डिजिटल राइट्स का अलग अलग प्राइस क्या है। बहरहाल जो भी हो पर सिंघम अगेन इस मामले में भूल भुलैया 3 से काफी आगे निकल गई है क्योंकि कार्तिक आर्यन की फिल्म के सारे राइट्स 135 करोड़ में बिके हैं जबकि सिंघम अगेन के सिर्फ ओटीटी राइट्स ही 130 करोड़ में। पिंक विला की एक और रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की फिल्म ने नॉन थिएटिकल यानी म्यूजिक टीवी और ओटीटी राइट्स बेचकर कुल 200 करोड़ की कमाई कर ली है। भूल भुलैया 3 का बजट करीब 150 करोड़ है यानी इसे प्रॉफिट में आने के लिए सिर्फ 15 करोड़ और कमाने हैं। सिंघम अगेन का बजट करीब 250 करोड़ है यानी इसे सिर्फ 50 करोड़ और कमाने हैं और ये अपनी लागत वसूल लेगी। दोनों फिल्मों की टक्कर भले ही हो रही हो लेकिन अभी तक दोनों का पलड़ा लगभग बराबर है। बाकी असली कहानी पता चलेगी 1 नवंबर को। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।